टिश्यू एंड एनिमल बेस्ड, जो भी आपके प्लांट्स और एनिमल के टिश्यू होते हैं या जो एनिमल का वेस्ट होता है, वेस्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो भी एनिमल से एक्सक्रीट होता है की बॉडी से, कंटेन नाइट्रोजन। उस वेस्ट प्रोडक्ट में क्या होता है आपका, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, किसी भी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के फॉर्म में क्या होता है उस वेस्ट प्रोडक्ट में आपका नाइट्रोजन मिला हुआ होता है। व्हेन सच ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्स विद द सॉइल, और जब इस टाइप का आपका ऑर्गेनिक मटेरियल जो बना है वो किससे मिक्स होगा, आपका सॉइल से मिक्स होगा। सॉइल में मिक्स होने के बाद वो क्या होगा, डिकम्पोजन से मिक्स होगा, और उसके बाद क्या होगा, ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। और जो भी आपके यहां पे क्या थे आपके ऑर्गेनिक मैटर था, वो ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा मतलब टूटेगा, वो टूटने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन के नाइट्रेट्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। नाइट्रेट्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद सॉइल के अंदर मिक्स होगा, और सॉइल में जमीन मिक्स हो जाएगा, तो आपके प्लांट्स में क्या होगा, नाइट्रोजन का जो सप्लाई था वो कंटिन्यूस चल रहा है। तो इस टाइप की साइकिल क्या कहलाती है आपकी, नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है। अब जब एक बार इन्होंने क्या कर लिया, नाइट्रेट्स मॉलिक्यूल को फॉर्म कर लिया, अब ये अगेन क्या करेंगे, जो भी आपके प्लांट्स में एनिमल का वेस्ट है उससे फिर से वो वही साइकिल कंटिन्यू करेंगे, कि पहले क्या करेंगे वो नाइट्रेट्स मॉलिक्यूल को, सॉरी नाइट्रोजन को क्या करेंगे, नाइट्रेट्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट आपके जो मॉलिक्यूल बने वो क्या करेंगे प्लांट यूज करेंगे, यूज करने के बाद फिर वही साइकिल कंटिन्यू चलेगी। तो इस टाइप की साइकिल क्या कहलाती है आपकी, नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है। फिर से आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपके जो वीन फैमिली के प्लांट होते हैं, वीन फैमिली मतलब आपकी सॉरी पल्सेस होती है जो, हाँ वीन फैमिली के जो प्लांट होते हैं पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के प्लांट्स क्या करते हैं, इनको जो नाइट्रोजन की सप्लाई होती है कहाँ से होती है, इनको डायरेक्टली किससे मिल जाती है, नाइट्रोजन एयर से मिल जाती है, अपने एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किसको प्लांट को, वो सॉइल से नहीं लेते हैं कोई भी आपका नाइट्रोजन को मॉलिक्यूल या नाइट्रेट्स के जो मॉलिक्यूल है, वो किससे डायरेक्ट रिप्लाई करते हैं अपना नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर से प्रेजेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो ये दो टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एक बार फिर से क्लियर करेंगे शॉर्ट में। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, जो भी आपके प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसमें क्या होता है कुछ नाइट्रोजन होता है, अब जब वो नाइट्रोजन है वो क्या कहलाता है आपका ऑर्गेनिक मैटर, अब वो ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो नाइट्रेट्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये नाइट्रेट्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है तो किस में चला जाएगा आपका, सॉइल में जाएगा, और सॉइल में जाने के बाद प्लांट क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। फिर हमने आपको बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया आपके जो वीक फैमिली के प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, गेन करते हैं या फिक्स करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक